श्रोमणी अकाली दल के टकसाली नेता सेवा सिंह शेखवा द्वारा कल गुरदासपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उनके द्वारा रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा भी जिसमें उनके द्वारा अकाली दल के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया गया था। वही अब उन पर पलटवार करने के लिए उनके ही साथी अकाली नेता यादविंदर सिंह भुट्टर की ओर से शेखवा पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आप ही सुनिए क्या कहा यादव सिंह भुट्टर ने शेखवा के बारे में। सच्चाई तो कोहां दूर है। सेवा सिंह शेखवा जी के पिता उजागर सिंह शेखवा जी जिहड़े आ ओह मेरे बजुर्ग जथेदार भाई हवेला सिंह भुट्टर जिहड़े फ्रीडम फाइटर रहे आ उन्हां दे चेले सीगे, साडे रिश्तेदार भी सीगे। दो साल सेवा सिंह शेखवा और इहदा पिता इहदी माँ साडे घरे रहे, जिन्हां समयां दे विच सेवा सिंह शेखवा दे पिता दी 3-4 एकड़ जमीन सीगी, उन्हां समयां दे विच ये लोग साडे घरां दे विच पल के ते साडे बजुर्गां ने उंगल फड़ के इन्हां नूं उन्हां समयां च मास्टर तारा सिंह मोहन सिंह तोड़ होणा दे विच इन्हां नूं असीं एज ए लीडर प्रमोट कीता, इंट्रोड्यूस करवाया। और अज जो ये कह रहे हैं कि असीं टकसाली अकाली हाँ, असीं बड़े सिद्धांतवादी हाँ, किहड़े कमाई दे साधनां दे नाल सेवा सिंह शेखवा जी ने अज इन्ने 100 एकड़ जमीना बना लिया वा। इन्हों का एक बेटा अमेरिका दे विच पायलट आ, वो एक कंपनी दे विच जिहड़े एरोप्लेनस रेंट ते दिंदे आ वो कंपनी नूं चला रहा वा। और इन्हां ने बतौर कैबिनेट मंत्री रहिंदे होया दो वार प्रकाश सिंह बादल हुणां दे नाल कैबिनेट मंत्री रहे आ। इन्हां ने हल्के दे विचों पैसे लै के पटवारियों को तहसीलदारां को SHO को बेनामी जायदादां खड़ियां कीतियां। तुहानूं लंबे समय तो श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी जिहड़ी तुसीं मंगदे पए सीगे ओह इन्हां ने दित्ती नहीं। 10 साल सेवा सिंह जी असीं इक्को कार च, तुसीं ते मैं इक्को कार च घूमदे रहे हाँ। 10 साल तुसीं इत्थे आण के बादल साहब कोल हर साल नवंबर दे महीने तुसीं SGPC दी लॉबिंग करन लग पैंदे सीगे कि कदी मैनूं प्रधान बनाओ। सो असीं ते इहो ही कहांगे कि तुहाडियां मनोकामनावां पूरियां नहीं होईयां, तुहाडे जिहड़े अंबिशन सीगे ओह तुहानूं सुखबीर सिंह बादल इत्थों इस माझे दे विचों बिक्रम सिंह मजीठिया की वध रही शाख करके तुसी जिहड़ा वा ये अकाली दल दे उत्ते उंगलां चक्कियां वा। जे उंगलां चकणियां सीगियां ते जिद्दन सरकार दे विच बैठे सीगे उदण चकणियां चाहीदियां सी। कि सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा साहब ने अज उत्थे चोला साहब बहुत वड्डी कॉन्फ्रेंस कीती आ, बड़े सन्मानयोग लीडर हैगे आ ओह। सो ये पार्टी की इन्हों की कोर कमेटी या PSC की डिसाइड करती आ, लेकिन असी सुझाव जरूर दे सकते हाँ। असी जिथे अकाली दल सुझाव देना वा उत्थे असी सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा जी नूं भी सुझाव देना चाहते हाँ कि ब्रह्मपुरा साहब तुसी कोई चंगे किरदार वाले लोगों नूं नाल लैके चलोगे ते तुहाडी इज्जत दे विच होर वाधा होगा। इहो जे भ्रिष्टाचारी लीडरां नूं तुसी नाल लैके, मौका प्रस्त लीडरां नूं सेवा सिंह वर्गियां नूं नाल लैके ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਡੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਗਤੀ ਲੜਕੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਅਮਨ ਮਹਾਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।